हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसे 319 ब्लॉग्स। सो गाइस, आज ना मैं काजू रोस्ट कर रही थी तो ना उसी की वीडियो मैंने बना ली। तो यहाँ पर ना मैं करीबन 1.5 किलो काजू को रोस्ट कर रही हूँ। ये मैं इसीलिए रोस्ट कर रही थी ताकि मैं इन्हें ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकूँ। अगर हम काजू को रोस्ट नहीं करते हैं और ऐसे ही काफ़ी टाइम तक काजू रखे रह जाते हैं तो इसमें ना कीड़े लगने लग जाते हैं, तो इसीलिए मैं इनको रोस्ट कर रही थी। तो मैंने ना यहाँ पर करीबन 1.5 किलो काजू का इस्तेमाल किया है और 1.5 किलो काजू को मैं रोस्ट कर रही हूँ। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी करीबन 50 से 60 ग्राम घी। यहाँ पर मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। और नमकीन टेस्ट देने के लिए हम इसमें बाद में थोड़ा सा नमक, करीबन 1 से 2 चुटकी नमक इस्तेमाल करेंगे। तो अगर आप इन्हें फास्ट के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल करें, वरना आप रेगुलरली जो नमक खाया जाता है घरों में उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सेंधा नमक का इस्तेमाल किया था क्योंकि सेंधा नमक का इस्तेमाल करके हम इन्हें फास्ट के अंदर और नॉर्मली डेज में भी खा सकते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। तो मैंने ना इन्हें एक बर्तन में निकाल लिया है और इसके बाद में मैंने इन्हें गैस पर चढ़ा दिया है। और गैस की फ्लेम हम बिल्कुल धीमी रखेंगे और इन्हें कंटिन्यूसली चलाते भी रहेंगे ताकि ये जले ना। याद रहे कि किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करते वक्त हम मोटे पैंदे का बर्तन इस्तेमाल करें। अगर हम मोटे तले का बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो जलेंगे नहीं और उनमें एक अच्छा सा बढ़िया सा गोल्डन कलर आएगा और वो बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट भी हो पाएंगे और दिखने में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और अगर हम इसमें पतले पैंदे के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो ये जल्दी जल जाएंगे और इनकी ऊपरी परत जल जाएगी, अंदर से ही गोल्डन नहीं हो पाएंगे, अंदर से रोस्ट नहीं हो पाएंगे और इनका टेस्ट भी एकदम कड़वा कड़वा आएगा। पहले मैंने पतला पैंदे का बर्तन लिया था तो ये ना जलने लग गए थे, तो उसके बाद में ना मैंने इनको एक मोटे तले के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया था, उसके बाद ये अच्छे से रोस्ट हो रहे थे। तो मैंने तो इनको हल्का ही रोस्ट किया था। आप चाहें तो जिस कलर के काजू रोस्ट हुए हुए आपको अच्छे लगते हैं उस कलर पर आप इनको रख सकते हैं। जब हमारे काजू रोस्ट हो जाएंगे तो उसके बाद में हम इन्हें एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद में हम इनके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद में हम इन्हें एक एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे। अब हम इन्हें कम से कम 6 से 7 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और 6 से 7 महीने तक ये ख़राब नहीं होंगे। तो गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।